हेलो पीपल, आई होप डूइंग ग्रेट एंड हियर वी आर फॉर चैप्टर नंबर 7। तो एग्जामिनर फेवरेट्स चैप्टर हम ले रहे हैं जिनको मॉड्यूल से धुआंधार तरीके से खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमारा चैप्टर चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 इतना बड़ा चैप्टर नहीं, चैप्टर 2 काफी बड़ा चैप्टर था, काफी स्ट्रगल हुआ उसको कंप्लीट करने में, लेकिन आई होप यू पीपल हैव रियली 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 रेड इट थ्रू वंस। तो बच्चों ने अगर एक बार मॉड्यूल उठा के पूरा एंड टू एंड पढ़ लिया होगा देन चैप्टर 2 वुड बी सॉर्टेड। ठीक है, तो बार बार लगातार उन रिविजन को देखते रहो जो चैप्टर 2 के अपलोड किए एंड देन जो पहले के एक्स्ट्रा सीरीज है, एंड दैट विल बी सुपर बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। आज हमारा टारगेट क्या, चैप्टर नंबर 7। सर चैप्टर नंबर 7 इतना बड़ा नहीं है, फिर एग्जामिनर फेवरेट में कैसे आ गया? इन द कमिंग अटेम्प्ट आई फील चैप्टर नंबर 7 की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी बिकॉज देर आर वेरियस चेंजेस कंटिन्यूअसली कमिंग इन चैप्टर नंबर 7। चलो बेटा जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हिट चैप्टर नंबर 7। बेटा जी मैं लेक्चर सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है आप इसको आज ही 9 बजे के आसपास देखें बेटा जी। तो एकदम जी जान से एक ही सेट में एक ही साथ में पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके चल हम स्टार्ट करते हैं CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है मॉड्यूल ने, वो ओके यू कैन स्किप दैट आप। उन्होंने बताया कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब कुछ सोसाइटी से लेते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है दैट वी गिव बैक टू द सोसाइटी, एज इजी एज दैट। ठीक है, उसके आगे अगर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या है, सेक्शन में 135 टॉक्स अबाउट CSR। इन्होंने 135 का पूरा ब्रेकअप भी यहां पर दिया है। 135.1 टॉक्स अबाउट रिक्वायरमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट CSR कमिटी, देयर आफ्टर बोर्ड रिपोर्ट टू डिस्क्लोज द कॉम्पोजिशन ऑफ CSR, फर्दर फंक्शंस ऑफ CSR, बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स CSR, CSR एक्सपेंडिचर 135 सबसेक्शन 5, CSR एक्सपेंडिचर 135 सबसेक्शन 6, अनस्पेंट अमाउंट ऑफ CSR पर्सुएंट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ये मैंने आपको रिसेंटली अमेंडमेंट्स के अंदर पढ़ाया, यहां पे मैं वापस आपको पढ़ाऊंगा। सॉरी, तो पहले से था बेटा जी, पहले जो वो था प्रोविजन वो नोटिफाई नहीं किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अभी अभी गर्मा गर्म तरीके से नोटिफाई किया। ठीक है, देयर आफ्टर पनिशमेंट, ठीक है, एंड डायरेक्शंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको ध्यान रखना है 135 टॉक्स अबाउट CSR, एवरी स्टूडेंट रिमेंबर्स 135, ट्राई एंड रिमेंबर द सबसेक्शन हियर एज वेल। सर आप जनरली कहते हैं कि सबसेक्शन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जी हाँ, लेकिन इस सेक्शन के अंदर क्योंकि हमें ऑलमोस्ट लगता है कि एग्जाम में कोट करने का मौका मिलेगा, लेट्स ट्राई एंड रिमेंबर द सबसेक्शन एज वेल। ओके, याद रखते हैं सबसेक्शन 1 रिक्वायरमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट CSR कमेटी, सबसे पहले CSR कमेटी बनानी होगी, सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 बोर्ड्स रिपोर्ट टू डिस्क्लोज द कॉम्पोजिशन ऑफ CSR कमेटी, कि CSR कमेटी कॉम्पोजिशन में बोर्ड रिपोर्ट में बताना होगा। सबसेक्शन 1 CSR कमेटी फॉर्म करनी है, कॉन्स्टिट्यूट करनी है, सबसेक्शन 2 उसको बोर्ड रिपोर्ट में बताना है। सबसेक्शन 3 फंक्शंस ऑफ द कमेटी, फंक्शंस ऑफ CSR कमेटी, सबसेक्शन 3 फंक्शंस ऑफ CSR कमेटी। सबसेक्शन नंबर 4 बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स CSR, के बोर्ड की क्या जिम्मेदारी CSR के प्रति। ठीक है, पहले 4 हो गए, CSR कमेटी बना दो, उसको बोर्ड कॉम्पोजिशन बता दो, मैं बता दो फंक्शन क्या है CSR कमेटी की। तो पहले तीनों सबसेक्शन कहीं ना कहीं CSR कमेटी के आसपास ही घूम रहे हैं। तो 135.1, 135.2, 135.3 तीनों CSR कमेटी के आसपास है। CSR कमेटी को बनाओ, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करो उनका फंक्शन क्या है। 1, 2, 3। 4 टॉक्स अबाउट बोर्ड्स रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, ये 134 तक आ गए। 35 सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, 135 सबसेक्शन 5 CSR expenditure, और उसके बाद जो गर्मा गर्म सेक्शन आया है 135 सबसेक्शन 6 अनस्पेंट अमाउंट, एक साल हो गया बट अभी तक हमने पूरा अमाउंट स्पेंड नहीं किया है, तो अनस्पेंट अमाउंट के साथ क्या होगा, ये हो गया 135 सबसेक्शन 6। ओके, आई हैव ऑल विद मी, एकदम सिंपल तरीके से। फिर उन्होंने रूल्स बताए हैं, ठीक है, अब आए शुरू करते हैं एकदम बेसिक तरीके से CSR की एप्लीकेशन। मेरे साथ बने रहना, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो एकदम मस्ती से बने रहो, यू विल बी ऑल डन विद दिस चैप्टर। चलो सबसे पहले आता है एप्लीकेबिलिटी, CSR की एप्लीकेबिलिटी। CSR की एप्लीकेबिलिटी किस पे आती है, हर एक व्यक्ति को पता है, एनी कंपनी CSR प्रोविजन एप्लीकेबल ऑनली व्हिच फुलफिल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या टच करते हैं, आपका नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है, इफ योर नेटवर्थ इज 500 करोड़ और मोर, और इफ योर टर्नओवर इज 1000 करोड़ और मोर, और योर नेट प्रॉफिट इज 5 करोड़ और मोर, तो इफ यू टच एनी वन ऑफ दीज देन आपके ऊपर CSR अप्लाई हो जाता है। आई रिपीट, आपके ऊपर CSR अप्लाई हो जाएगा इफ यू टच एनी वन ऑफ दीज, व्हाट इज नेट प्रॉफिट 5 crore और मोर, नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर। ओके, वेरी इजी, ठीक है बेटा जी, एकदम इजी चल रहा है। उसके बाद में सेसेशन के आप कब इससे बाहर निकलते हैं, अगर आप कॉन्सिक्यूटिव तीन सालों तक CSR के लिमिट के बाहर है, अगर आप कॉन्सिक्यूटिवली तीन सालों तक CSR के लिमिट के बाहर हैं, तब आपके ऊपर CSR का प्रोविजन अप्लाई होना बंद हो जाता है। तो CSR का प्रोविजन एक बार अप्लाई हो गया तो कम से कम 3 सालों तक एप्लीकेबल रहेगा। When continuously 3 सालों तक आप CSR के प्रोविजन के बाहर रहते हैं, तब जाके आपके ऊपर CSR अप्लाई होना बंद हो जाता है। जब आप consecutively 3 साल CSR के प्रोविजन के बाहर रहते हैं, तब आपके ऊपर CSR अप्लाई होना बंद हो जाता है। Easy. CSR कमेटी, अब मस्ती से सुनना अच्छे से। CSR के अंदर आपके ऊपर अप्लाई होता है, आपको कमिटी बनाना कंपल्सरी है, यू टू कंपल्सरली फॉर्म अ कमिटी। वंडरफुल, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सर कमिटी में कौन कौन होगा, सुनना,
CSR committee to consist of 3 directors or more including at least 1 independent director. तो CSR committee में कम से कम 3 directors होने चाहिए जिनमें से एक independent director होना चाहिए. I repeat, CSR committee में कम से कम 3 directors होने चाहिए जिसमें से एक independent director होना चाहिए. Wonderful. Sir, मान लीजिए हमारी company में independent director ही नहीं है, तो अगर आपकी company में independent director ही नहीं है, then CSR committee में आप क्या होना चाहिए, कम से कम 2 director. I repeat, normally हर एक company के अंदर होने चाहिए CSR committee में minimum 3 directors, out of which 1 has to be independent director. But if your company does not have any independent director, then CSR committee should comprise of at least 2 director. Okay. If it's a private company that has only 2 director, then those 2 director can also form CSR committee. So CSR में generally 3 होते हैं, लेकिन अगर आपकी company में independent है ही नहीं, तो 2 चलेंगे. आपकी company private है, तो भी 2 चलेंगे. Okay. Next, important point चल रहे हैं. CSR committee of a foreign company. एक foreign company की अगर CSR committee है, it shall comprise of at least 2 persons, of which 1 should be a resident in India and other person nominated by foreign company. तो अगर एक foreign company की CSR committee बन रही है, तो एक व्यक्ति उसमें resident होना चाहिए और एक foreign company से nominated चलेगा. उसके बाद में ये हम पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, 3-4 बार आपने अगर मॉड्यूल से पढ़ा है तो बहुत सारी चीजें रिपीट होती रहती है. तो अगर आपके ऊपर सीएसआर अप्लाई हो जाता है तो कम से कम 3 सालों तक अप्लाई रहेगा, ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने सीएसआर कमेटी की बातें अच्छे से पढ़ ली. फिर आता है फंक्शंस ऑफ सीएसआर कमेटी, दैट इज समथिंग वेरी इजी कि क्या क्या सीएसआर कमेटी ने करना होता है. भैया जी उनको करना है फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू बोर्ड सीएसआर पॉलिसी. उनका सबसे पहला काम है सीएसआर पॉलिसी बनाना. अरे हमें कुछ अच्छा करना है, बट अच्छा करने में कितने सारे एरियाज हैं. आप पोर्टी पे काम कर सकते हो, आप वाटर मैनेजमेंट पे काम कर सकते हो, आप बहुत तरीके से दुनिया में अच्छा कर सकते हो. तो सीएसआर में यू गॉट वेरियस वेज एंड मींस, सो यू हैव टू डिसाइड कि आपकी कंपनी किस पे फोकस करेगी. सो योर कंपनी नीड्स टू हैव अ सीएसआर पॉलिसी. योर कंपनी नीड्स टू हैव अ सीएसआर पॉलिसी. सीएसआर पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, देन रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर. फिर आप डिसाइड करो कितना एक्सपेंडिचर आपको करना है. सो फॉर्मुलेट द सीएसआर पॉलिसी, उस पर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकमेंड करो. देन यू टू क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, जिससे कि सीएसआर प्रोजेक्ट्स को अच्छे से आप मॉनिटर कर पाए. ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना है. एंड लास्ट, टू मॉनिटर द सीएसआर पॉलिसी, टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड सीएसआर पॉलिसी एंड टू मॉनिटर सीएसआर पॉलिसी. टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड सीएसआर पॉलिसी एंड टू मॉनिटर सीएसआर पॉलिसी हो गया. उसके अलावा क्या, एक्सपेंडिचर भी हम ही रिकमेंड करते हैं कि इतना खर्चा करना चाहिए. एंड साथ में टू क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, जिससे कि कोई भी व्यक्ति कभी भी अच्छे से देख पाए, हम भी अच्छे से देख पाए कि सीएसआर पॉलिसी प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड है नहीं है. तो बेसिक फंक्शंस हैं ऑफ सीएसआर कमिटी, याद रखना आसान है. पहला क्या है, फॉर्मुलेट करो, रिकमेंड करो और मॉनिटर भी करो सीएसआर पॉलिसी को. फिर एक्सपेंडिचर भी आप ही रिकमेंड करो. और आप ध्यान रखो, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि आप कंफर्टेबली इसको चेक कर सको. फिर आते हैं आपके सीएसआर के रूल्स. सुनना मेरी बात को अच्छे से, कुछ खास बातें मैंने पहले से अंडरलाइन करके ताकि आपको याद रहे. आप सीएसआर चाहे तो खुद कर सकते हैं, या फिर आप चाहे एक कंपनी चाहे तो सीएसआर के लिए अपना पैसा किसी और को भी दे सकती है, और वो भी कंपनी के भी आप पे सीएसआर के लिए. एग्जांपल, एक कंपनी अगर चाहती है तो अ कंपनी कैन गिव इट सीएसआर मनी टू अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8. अ कंपनी कैन गिव इट सीएसआर मनी टू अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 और रजिस्टर्ड ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी. हमारी कंपनी के पास समय नहीं है, तो हमारी कंपनी किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी को, किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को या सेक्शन 8 कंपनी को पैसा दे सकती है कि हमारे बिहाफ पे तुम करो सीएसआर. सीएसआर का अमाउंट उन्हें दे सकते हैं. दैट कंपनी ईदर कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय योर कंपनी. फॉर एग्जांपल, आज टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स ने एक सेक्शन 8 कंपनी क्रिएट की. अब टाटा मोटर्स अपना सीएसआर का अमाउंट उस सेक्शन 8 कंपनी को देता है और सेक्शन 8 कंपनी एक्सपेंड करती है. छोड़ो, टाटा मोटर्स, रिलायंस एंड जिंदल, इन तीनों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की, तो तीनों अपना अपना सीएसआर का अमाउंट सेक्शन 8 कंपनी को देते हैं और वो स्पेंड करती है. इट इज ऑल अलाउड. सो यू कैन ईदर फॉर्मुलेट योर ओन ट्रस्ट सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी फॉर सीएसआर, या फिर यू कैन इवन गिव द मनी टू अ सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट और सोसाइटी फॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के किसी एंटिटी से क्रिएट की उन्होंने एक सेक्शन 8 कंपनी फॉर सीएसआर पर्पस, तो आप उसे भी दे सकते हो. तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि एक कंपनी चाहे तो अपनी इंटरनल टीम बना के भी सीएसआर हैंडल कर सकती है, या फिर कंपनी को लगता है कि हाँ ठीक है ना, हम एक सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं उससे सीएसआर कराएंगे चलेगा. गवर्नमेंट ने सेक्शन 8 कंपनीज बनाई है उनसे सीएसआर करेंगे, दिस इज ऑल अलाउड. ओके, हमें लगता है कि नहीं, ना तो हमने सेक्शन 8 कंपनी बनाई है, ना ही गवर्नमेंट की सेक्शन 8 कंपनी, ऐसे थर्ड पर्सन कुछ लोग हैं वो भी सेक्शन 8 कंपनी बना के काम कर रहे हैं. ऊपर क्या 2 चॉइसेस पड़ी, कि एक कंपनी खुद की एक सेक्शन 8 कंपनी बना सकती है, उसको सीएसआर का पैसा दे सकती है. एक कंपनी गवर्नमेंट की बनाई हुई सेक्शन 8 कंपनी को सीएसआर का पैसा दे सकती है. उसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स ने भी अपनी सेक्शन 8 कंपनी बनाई है कि वो भी सीएसआर का काम करेंगे, आप उनको भी दे सकते हैं. बट वहां पे एक कंडीशन आ जाती है कि दे शुड हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 इयर्स. दे शुड हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 इयर्स. तो या तो यू कैन फॉर्म योर ओन कंपनी फॉर सीएसआर, एक सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो, रजिस्टर्ड ट्रस्ट बना सकते हो, सोसाइटी बना सकते हो, आप उसे दे सकते हो. गवर्नमेंट की बनाई हुई जो सेक्शन 8 कंपनी ट्रस्ट सोसाइटी, उसको दे सकते हो. या फिर कोई थर्ड पर्सन इंडिविजुअल है, उसने भी अपनी सेक्शन 8 कंपनी बना दी है, उसको भी आप दे सकते हो. और वहां पे कंडीशन क्या आ जाती है कि उसके पास होना चाहिए 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड.
ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर ये जो ऊपर के स्पेसिफाइड के अलावा आते हैं उनको भी आप दे सकते हो, बट दे नीड टू हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 इयर्स, तभी आप उनको दे सकते हो, आई हैव यू क्लियर। उसके बाद में आप चाहो तो दूसरी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो कि हम लोग मिलकर इस मिशन पे काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है, योर विजन इज वे हायर बट द अमाउंट यू कैन स्पेंड इज कंपैरेटिवली लोअर, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कम टुगेदर, फ्यू कंपनीज कैन कम टुगेदर एंड टारगेट अ पर्टिकुलर एम। देखो भारत में बहुत सारे एरिया से काम करने के लिए, तो अगर आप सोचो कि आप सब कुछ कर लो तो नहीं कर पाते, बट आपको कोई एक एरिया ढूंढ के उस पर मेहनत करना चालू कर देनी चाहिए। ओके चल, उसके बाद में आपको सीएसआर का पूरा पूरा खर्चा भारत में करना है, सिर्फ भारत में किया हुआ खर्चा इज एलिजिबल फॉर सीएसआर। भैया नहीं नहीं, हमारे भारत में तो पूरा हो नहीं रहा है और आप आसपास की कंट्रीज बांग्लादेश श्रीलंका बाहर जा जाके और वहां पे मदद करना चाहते हो, नहीं नहीं चलेगा, इंडिया में होना चाहिए सीएसआर का खर्चा। आप ऐसा कुछ सीएसआर करते हो विच इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ योर एम्प्लॉइज, दैट विल नॉट क्वालिफाई फॉर सीएसआर। हाँ, आपने सबके लिए किया, उसमें आपके कुछ इंप्लॉइज का भी फायदा हो गया, वो बात अलग है, बट आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि अपने इंप्लॉइज का ही फायदा हो रहा है, दैट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन सीएसआर, बिकॉज वो तो आप इंप्लॉय रिटेंशन के लिए स्कीम होगी ना आपकी, दैट इज नॉट सीएसआर। फर्दर, अगर आप मान लीजिए आपने अपना एजेंसी सेटअप किया है, फिर किसी भी तरह से आप सीएसआर कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कैन बी मैक्सिमम 5%। आप ये नहीं कर सकते कि टीम बनाइए वो सीएसआर हैंडल करेंगे, उनको 5 करोड़ दिए कि आप खर्च करो, बोले कि हम सोचने जा रहे हैं मालदीव्स, वहां पे वो 25 लाख खर्च करके आ गए, फिर हम कुछ और कर रहे हैं, पूरे ट्रैवल कर रहे हो प्राइवेट जेट से इधर से उधर, उन्होंने 25-30 लाख और खर्च कर दिए। सो व्हाट आर दे डूइंग, कि वो जो सीएसआर का खर्चा है वो फाइनली एक्चुअली स्पेंड हो ही नहीं रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा खर्च हो जाता है। तो उन्होंने वहां पे एक रूल बनाया कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में मैक्सिमम 5% ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंड कर सकते हो। तो अगर आपका पूरा सीएसआर 100 करोड़ का है, मैक्सिमम 5 करोड़ आपके एडमिन एक्सपेंस हो सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद में आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई कंट्रीब्यूशन दे, दैट इज नेवर सीएसआर, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद में आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लिस्ट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज। ये शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट में दे रखा है कि क्या क्या सीएसआर एक्टिविटीज में अलाउड होता है, केयरफुली समझना, क्या ये सब याद नहीं करने, और एक बार अच्छे से सुन लो, अगर कभी कहीं एग्जाम में आ गए तो दैट विल बी रियली फ्रूटफुल। क्या क्या, हंगर पोवर्टी न्यूट्रिशन प्रमोटिंग हेल्थ केयर, ये सब आप करवा सकते हो, इन सब के लिए आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, इन सब में आप काम करते हो, ये सीएसआर में है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर आप अरेंज कर रहे हो लोगों के लिए, स्वच्छ भारत कोष कर रहे हो, सैनिटेशन के लिए कर रहे हो, ये सब सीएसआर में अलाउड है, बस एक बार अच्छे से सुनते चलो। नेक्स्ट, एजुकेशन के लिए कुछ कर रहे हो, वोकेशनल स्किल्स डेवलप कर रहे हो, लाइवलीहुड एनहांसमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, ये सब सीएसआर में अलाउड है। थereafter, जेंडर इक्वालिटी के लिए आप कुछ कर रहे हैं, सेटिंग अप होम्स एंड हॉस्टल फॉर वुमेन एंड ऑर्फन्स, ओल्ड एज होम, डे केयर सेंटर्स, इन सब पे के लिए आप कुछ कर रहे हो, सीएसआर में अलाउड है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा फौना, एनिमल वेलफेयर, एग्रो फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ सॉइल एयर एंड वाटर, ये सब चीजें सीएसआर में अलाउड है। यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मनी टू क्लीन गंगा फंड, सीएसआर में अलाउड है। नेशनल हेरिटेज, आर्ट कल्चर, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कर रहे हो आप, पब्लिक लाइब्रेरी, प्रमोशन डेवलपमेंट ट्रेडिशनल आर्ट हैंडीक्राफ्ट, इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कर रहे हो, पूरा सीएसआर में अलाउड है। आर्म फोर्सेस के वेटरन्स, वॉर विडोज, देयर डिपेंडेंट्स, उसके बाद में CAPF, CPMF, उनके डिपेंडेंट्स, उनके विडोज, उन सब के लिए भी आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पूरा सीएसआर के अंदर अलाउड है। रूरल स्पोर्ट, नेशनल रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स, पैरालंपिक स्पोर्ट्स, ओलंपिक स्पोर्ट्स, इन सब एरियाज में आप कुछ कर रहे हो, पूरा सीएसआर में अलाउड है। याद नहीं करना है, अच्छे से सुनते चलो, अगर एग्जाम के किसी क्वेश्चन में से कोई वर्ड आता है तो हाँ ये अलाउड है, क्लियरली। नेक्स्ट, आप प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, पीएम केयर्स वगैरह में कंट्रीब्यूट करते हो, ऑफकोर्स अलाउड है। इंक्यूबेटर, ये तो पूरा एक और डिबेटेबल इशू है, छोड़ो, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। इंक्यूबेटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हो अलाउड है। उसके बाद में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज का नाम दे रखा है कि IIT, DAE, DST, IKRS, इन सब मिनिस्ट्रीज या इन सब यूनिवर्सिटीज को अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में पैसा कंट्रीब्यूट करो, सीएसआर में अलाउड है। यहाँ पे एक मिनिस्ट्री थोड़ा सा ऐड हुई है, इसको ध्यान रखना है, आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेट्रोफोलॉजी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये एक नया ऐड हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आयुष में भी अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, सीएसआर में अलाउड है। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड स्लम एरिया डेवलपमेंट में करते हो, ये भी अलाउड है। सुनना, उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप कर रहे हो, वो भी सीएसआर में कवर होता है। रुको, अभी फिर सीएसआर पॉलिसी में सुनना क्या लिखा है एक बार। एनी कंपनी, आगे जा रहा हूं बट यही टॉपिक को कंटिन्यू करो, एनी कंपनी एंगेज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ न्यू वैक्सीन, ड्रग एंड मेडिकल डिवाइस इन दैट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मे अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ न्यू वैक्सीन, ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइस रिलेटेड टू कोविड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 and 2022-23, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट They'll be doing it with collaboration and they'll be disclosing separately in annual report. So, ठीक है, छोटी सी कंडीशन है कि annual report में separately disclose करना है और किसी organization, recognized organization के साथ collaboration में करोगे, तो यहाँ पे नया point आया। देखो,
यहां तक तो शेड्यूल 7 के सारे पॉइंट्स यहां तक कवर होते हैं। तो शेड्यूल 7 क्या कहता है कि इनमें से किसी भी एरिया में अगर आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हो, इनमें से किसी भी एरिया में अगर आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हो, सो दैट विल अमाउंट टू व्हाट सीएसआर, कोई चिंता की बात नहीं। फिर एक नया पॉइंट लेकर आया कि अगर आप कोविड वैक्सीन के रिसर्च डेवलपमेंट के लिए अगर आप कर रहे हो तो भी वो अलाउड है। फिर उन्होंने दो कंडीशन दे दी वहां पे कि पहली कंडीशन तो ये आप किसी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन में करोगे और अपने एनुअल रिपोर्ट में सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे। ये दो कंडीशन कंप्लाई करते हो तो कोविड रिलेटेड वैक्सीन के लिए जो आप रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हो वो भी सीएसआर में अलाउड है। इसको लेकर और क्लैरिफिकेशन है रिसेंटली, जो कि मैंने थोड़े दिन पहले आपको अमेंडमेंट्स में पढ़ाया था कि क्या क्लैरिफिकेशन है, रिसेंट क्लैरिफिकेशन कि कोविड रिलेटेड जो आप रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हो वो तो अलाउड ही है, साथ ही साथ अगर आप वैक्सीन के अवेयरनेस भी कर रहे हो वो भी सीएसआर में अलाउड है। इवन इफ यू आर वर्किंग ऑन अवेयरनेस ऑफ द वैक्सीन, दैट इज अलाउड इन सीएसआर। ओके, नेक्स्ट, अगर आप ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स इन सब का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, ये भी सीएसआर के अंदर अलाउड है। नेक्स्ट, अगर आप टेम्पररी हॉस्पिटल्स वगैरह बना रहे हो ये भी सीएसआर में अलाउड है। ये रीसेंट क्लैरिफिकेशन है। आई होप यू आर क्लियर। ये पूरा जो शेड्यूल 7 का लिस्ट है ये सब अलाउड है। कोविड के लिए स्पेशल पॉइंट है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। अब दो चीजें जो कि सीएसआर के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं, उन्होंने क्लियरली कह दिया। अगर आप वन ऑफ इवेंट कर रहे हो लाइक मैराथन, अवार्ड, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप ऑफ टीवी प्रोग्राम एक्सेट्रा, डू नॉट क्वालिफाई एज पार्ट ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर। कि आप मैराथन्स कर रहे हो, स्पॉन्सरशिप कर रहे हो टीवी प्रोग्राम्स में, ये सब सीएसआर के अंदर अलाउड नहीं है। क्या क्या, वापस रिपीट करता हूं, वन ऑफ इवेंट्स, वन ऑफ मतलब वंस इन अ वाइल वाले इवेंट लाइक मैराथन, अवार्ड फंक्शंस, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप ऑफ टीवी प्रोग्राम, ये सब सीएसआर के अंदर कवर नहीं होते। फर्दर, expense incurred by companies for the fulfillment of any act, statute, regulation such as labor law, land acquisition are not counted as CSR. कि आपको किसी statute के कारण अगर कोई खर्चा करना पड़ रहा है तो वो CSR में cover नहीं होता। Clear? ये दो चीजें expressly CSR में cover नहीं होती। ध्यान रखना, अगर exam में question आता है तो इस पे वो फंसाएंगे आपको कि जो आप किसी statute, किसी act की requirement को comply करने के लिए कर रहे हो वो CSR में cover नहीं होता। One. सेकेंड थिंग, आप मैराथन, अवार्ड्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, टीवी प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हो, वन टाइम इवेंट ये सब कर रहे हो, ये भी सीएसआर में कवर नहीं होता। आर यू ऑल विथ मी? मस्ती से फिर सीएसआर पॉलिसी का पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ये पॉइंट पर आपको अच्छे से बताया पहले से ही, प्रोवाइडेड बाय सीएसआर एक्टिविटीज डू नॉट इंक्लूड द एक्टिविटीज अंडरटेकन पर्सन्स ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हम काम करते हैं वो सीएसआर में कभी भी कवर नहीं हो सकता। कोई भी मेरा सीएसआर प्रोजेक्ट में अगर सरप्लस आ गया, दैट विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। कभी कभी क्या हो जाता है कि हम कुछ भलाई करने निकले थे बट हम कुछ एक नॉमिनल पैसा चार्ज करते हैं, उसमें हमारा सरप्लस हो गया। तो इफ यू हैव एनी टाइम, अ रेयर पॉसिबिलिटी, बट इफ यू हैव सरप्लस इन सीएसआर प्रोजेक्ट, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज योर बिजनेस प्रॉफिट। उसको आपको सीएसआर उसी उद्देश्य के लिए यूज करना होगा। रिकमेंडेशन मेड बाय सीएसआर कमिटी अप्रूव द सीएसआर रिस्पॉन्स। अभी क्या कह रहे हैं कि बोर्ड क्या करता है, सीएसआर कमिटी पॉलिसी रिकमेंड करती है, फिर बोर्ड उसको फाइनलाइज करता है और उसको कंपनी की वेबसाइट पर लगाता है। हमने सीएसआर कमिटी के फंक्शंस में पढ़ा था टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड द सीएसआर पॉलिसी। तो रिकमेंड किसको करते हैं, बोर्ड को। बोर्ड उसको देखता है, बोर्ड अप्रूव करता है और अपनी वेबसाइट पर लगा देता है कि ये हमारी सीएसआर पॉलिसी है। अरे सीएसआर करना है कंपनी को, जो उस लिमिट में टच हो जाती है 5 crore, 500 करोड़, 1000 करोड़, बट सीएसआर कहां करना है ये तो कंपनी खुद डिसाइड करती है। क्लियर है बेटा जी? चल फिर सीएसआर एक्सपेंडिचर अच्छे समझो क्या लिखा है। ये हम सबको पता है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कि भैया जी कितना कंट्रीब्यूट करना है, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर। पिछले 3 सालों का नेट प्रॉफिट लेंगे, उसका एवरेज करेंगे, उसका 2%। यहाँ पे क्या अमेंडमेंट आया है, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है वैसे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था, येट टू बी नोटिफाइड। आपके मॉड्यूल में लिखा होगा येट टू बी नोटिफाइड, इट हैज बीन नोटिफाइड नाउ। ये क्या कहता है सिंपली, अगर किसी, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले अमेंडमेंट्स में पढ़ाया है, अगर किसी कंपनी को 3 साल हुए ही नहीं है, तो इफ देयर इज एनी कंपनी जिसको अभी तक 3 साल नहीं हुए हैं, तो उन सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, अगर किसी कंपनी को अगर 3 साल नहीं हुए हैं तो जितने साल हुए हैं उसका एवरेज ले लेंगे। 2 साल हुए, 2 का एवरेज ले लोगे। क्लियर है? इनकॉर्पोरेट हुई, 2 साल हुए, लिमिट टच हो गई है, आपको 2 साल का एवरेज ले लोगे। इजी। तो जनरली 3 इयर्स का एवरेज लेना, लेकिन अगर नहीं हुआ तो 2 इयर्स का एवरेज ले सकते हो। अब ये पूरा क्या पार्ट है, ये भी लिखा था येट टू बी नोटिफाइड, दिस हैज बीन नोटिफाइड, दिस इज अबाउट द अनस्पेंट अमाउंट। ये मैंने आपको पढ़ाया थोड़े दिन पहले, वापस रिपीट करता हूं, फोकस करना अच्छे से। अनस्पेंट अमाउंट की बात करता हूं। अगर कभी ऐसा हो गया कि आपका ईयर एंड हो गया और आप सीएसआर के अमाउंट को पूरा स्पेंड नहीं कर पाए, यू हैव सम अनस्पेंट अमाउंट, द क्वेश्चन राइज हियर इज डज दिस रिलेट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। If it does not relate to any ongoing project, you have to transfer it to the specified fund within 6 months. ठीक है? If it relates to any ongoing project, you have to transfer it to a unspent CSR account within 30 days from the end of financial year. ठीक है? वहाँ पे financial year के 6 months के अंदर आप specified fund में transfer करो, तो अगर इसका कोई ongoing project से related नहीं है, लेकिन अगर ये ongoing project से related पैसा बच गया है, तो within 30 days you have to transfer it into unspent CSR account, वहाँ पे रखो, वहाँ पे 3 साल के अंदर आपको उसको उस project में use कर लेना है।
अगर 3 साल हो गए और आप अभी तक उस पैसे को प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर पाए, तो वहां से वो 3 साल एंड हुआ, फाइनेंशियल एंड हुआ, उसके 30 डेज के अंदर टू ट्रांसफर टू वहीं स्पेसिफाइड फंड अमाउंट अकाउंट, स्पेसिफाइड फंड अकाउंट। आई होप यू रिमेंबर, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया अपने अमेंडमेंट में। क्लियर बेटा जी? आई रिपीट अगेन, अगर कुछ अनस्पेंट अमाउंट बच जाता है तो क्वेश्चन ये आता है, ये अनस्पेंट अमाउंट रिलेट्स टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और नॉट? इफ इट डज नॉट रिलेट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ट्रांसफर इट अमाउंट टू अ स्पेसिफाइड फंड अकाउंट विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। इफ इट रिलेट्स टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, देन ट्रांसफर इट टू अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड यू हैव 3 years टू यूटिलाइज इट। इफ 3 years हैव एक्सपायर्ड एंड यू आर येट नॉट एबल टू यूटिलाइज इट, देन यू ट्रांसफर इट टू द सेम स्पेसिफाइड फंड अकाउंट विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ 3 years। थम्स अप। वापस भाई, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेन होल्डिंग कंपनी फॉर सीएसआर एक्टिविटीज इन इंडिया विल क्वालिफाई सीएसआर एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन सब्सिडियरी इफ द सीएसआर एक्सपेंडिचर आर रूटेड थ्रू इंडियन सब्सिडियरी एंड इफ द इंडियन सब्सिडियरी इज रिक्वायर्ड टू डू एज पर सेक्शन 135। कि अगर फॉरेन कंपनी कोई वो सीएसआर स्पेंड करी तो काउंट कब होगा? जब वो इंडियन सब्सिडियरी के थ्रू रूट करेगी और इंडियन सब्सिडियरी के ऊपर मैंडेट थी। सिंपल कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी के अंदर एक पॉइंट है, बहुत केयरफुली पॉइंट ध्यान रखना, इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट अगर पूछ लेगा तो मैं कह रहा हूं 90% स्टूडेंट वहीं बिखर जाएंगे। तो फोकस करना बहुत अच्छे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट का पॉइंट है। क्या कह रहे, आप जब भी एक इंडियन कंपनी का सीएसआर के लिए नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे, बिकॉज नेट प्रॉफिट का आपको लेना है एवरेज नेट, 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% कंट्रीब्यूट करना है, तो जब भी एवरेज नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तब एक बात का बहुत ध्यान रखना, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द नेट प्रॉफिट, डिविडेंड इनकम रिसीव फ्रॉम अनदर इंडियन कंपनी और प्रॉफिट मेड बाय कंपनी फ्रॉम इट्स ओवरसीज ब्रांचेस हैव टू बी एक्सक्लूडेड। आई रिपीट, आपका प्रॉफिट दिख रहा है 2 करोड़, उसमें जो भी इंडिया की कंपनी का डिविडेंड आया है उसको एक्सक्लूड करो। तो आपका प्रॉफिट मान लीजिए आपको दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़, उसमें से 1 करोड़ तो डिविडेंड इनकम है, हटाओ 9 करोड़, एंड एनी प्रॉफिट मेड फ्रॉम ओवरसीज ब्रांचेस उसको भी हटाओ 7 करोड़। सो आपका जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें से 2 चीजों को एक्सक्लूड करोगे, एनी डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एनी अदर कंपनी एंड एनी प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम ओवरसीज ब्रांचेस, फिर जो प्रॉफिट आता है उसका एवरेज लेंगे और उसका 2% आपको करना है कंट्रीब्यूट। ठीक है, बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, डबल स्टार मार्क किया है, अगर एग्जाम में आएंगे तो लोग गलत कर देंगे, ध्यान रखना 2 चीज एक्सक्लूड करनी है, एनी डिविडेंड इनकम रिसीव फ्रॉम एनी अदर इंडियन कंपनी एंड एनी प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम एनी ऑफ आर ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, और फिर फॉरेन कंपनी आता है, फॉरेन कंपनी लाइटर नोट पे क्या है कि आपको क्या करना है, फॉरेन कंपनी है तो दे हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड पीएनएल एज पर 381 एंड नेट प्रॉफिट टू बी कंप्यूटेड एज पर 198। ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता। फिर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आपको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर इंक्लूड करना है। एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर हैज टू बी इंक्लूडेड इन बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर हैज टू बी इंक्लूडेड इन द बोर्ड रिपोर्ट। उसमें क्या होगा, कंपनी की सीएसआर पॉलिसी होगी, सीएसआर कमिटी होगी, पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट होंगे, सीएसआर एक्सपेंडिचर कितना है वो होगा, सीएसआर स्पेंड आपने कितना किया इस साल वो होगा, रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग होगा अगर आपने स्पेंड नहीं किया तो, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बाय सीएसआर कमिटी के, भैया हम पूरे का पूरा सीएसआर पॉलिसी का ध्यान रख रहे हैं, ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होगा। सुनो ना, एक बात का ध्यान रखना, सर अगर कभी किसी साल में हमने कम स्पेंड किया है तो रीजन देना पड़ेगा, सर कभी किसी साल में हमने ज्यादा स्पेंड कर दिया है तो उसका आप सेट ऑफ ले सकते हो नेक्स्ट ईयर। फॉर एग्जांपल आपका एवरेज नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग 3 इयर्स आ रहा था 2 करोड़, आपने इस साल 3 करोड़ स्पेंड कर दिया है तो 1 करोड़ एक्स्ट्रा स्पेंड किया ना, वो नेक्स्ट ईयर आप सेट ऑफ ले सकते हो। फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस में यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपकी पनिशमेंट है वो दे रखा है। ठीक है, जिस दे रखा है कि क्या करना होता है आपको, एक सीएसआर कमेटी फॉर्म करने का, उस कमेटी में सीएसआर पॉलिसी बनाने का, कम से कम 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर खर्च करने का पूरा डिस्क्लोजर देने का। तो सीएसआर में क्या है, 1, 2, 3, 4 कमिटी बनाओ, पॉलिसी बनाओ, अमाउंट स्पेंड करो, डिस्क्लोजर दो, कमिटी बनाओ, पॉलिसी बनाओ, अमाउंट स्पेंड करो, डिस्क्लोजर दो, बहुत अच्छी बात है। एक सीएसआर का पोर्टल बना दिया उन्होंने, पोर्टल के अंदर क्या, इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां पे इंडिया में जितनी भी कंपनी जितना भी सीएसआर कर रही है उसके पूरे डिटेल्स हो सकते हैं, होते हैं कि कहां सीएसआर कर रहे हैं और कौन सी कंपनीज कितना कर रही है, तो एक पब्लिक में क्या एक इमेज अच्छी बनती है। तो एक सीएसआर पोर्टल बनाया जहां पे सारी कंपनीज के सीएसआर एक्सपेंडिचर के डिटेल्स दिए होते हैं। एक लास्ट आपका जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का चैप्टर खत्म, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी बहुत ज्यादा काम का नहीं है। क्या कहते हैं, यहाँ पे एक कंपनी थी उसने डिफॉल्ट किया, उसने सीएसआर कंप्लायंस कंट्रीब्यूट भी नहीं किया और रीजन भी नहीं दिया। देखो रीजन दे देता तो चलता, उसने ना तो कंट्रीब्यूट किया ना ही रीजन दिया और ऐसे आगे बढ़ रहे थे, और बाद में उनके ऊपर जब पेनल्टी लगने, तो उन्होंने बाद में क्या किया, उन्होंने ऐसे ना तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया ना ही उन्होंने रीजन दिया, फिर बाद में उन्होंने साथ में एक साथ में कहा कि अब हमसे गलती हो गई है, नाउ वी वांट टू मेक गुड द डिफॉल्ट, और वो डिफॉल्ट को सही करने लग गए, तो वहां पे कोर्ट तक बात गई, कोर्ट बोला चलेगा, जस्ट यू टू पे द कंपाउंडिंग फाइन, इनके ऊपर फाइन लग रहा था, उन्होंने कहा हम वी आर रेडी टू मेक गुड द डिफॉल्ट, हम सारे डिफॉल्ट को सही करने को रेडी है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा कि हाँ चलेगा, यू विल जस्ट हैव टू पे सम कंपाउंडिंग फीस। एनसीएलटी ने कंपाउंडिंग फीस लगाई और उनको अलाउ कर दिया कि जो आपने पहले रीजन नहीं दिया, डिस्क्लोज नहीं दिया, उसको आप करेक्ट कर दो।
ठीक है तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा कुछ लीगल टेक अवे नहीं है, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर CSR. आई होप बेटा जी कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. छोटा सा चैप्टर था, एक छोटी सी चीज थी जो आपका एक और चैप्टर डन हो गया, विच इज एग्जामिनर्स फेवरेट. लेकिन रुको, मैं आपसे कुछ और भी बात करना चाहता हूँ. पहले हमने जो रिसेंटली अमेंडमेंट देखे, एक बार फटाफट से उसका भी क्विक रिकैप करा देता हूँ, क्योंकि हम दैट रिलेट्स टू दिस चैप्टर. देखो सबसे पहले तीन पॉइंट क्या थे कि CSR क्या बात है, यहाँ मैंने पूरी समरी भी लिख रखी है ना. चलो सबसे पहले चीज क्या है, कोविड रिलेटेड चीजें हैं CSR के अंदर, कि भैया जी ये तीन चीजें एक्सप्रेसली अलाउड है. क्या तीन चीजें एक्सप्रेसली अलाउड है भैया जी? सबसे पहले अगर आप कोविड के वैक्सीन के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, दैट विल ऑल्सो बी अलाउड एक्सपेंडिचर. आप ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स बना रहे हो, दैट इज ऑल्सो अलाउड एक्सपेंडिचर. एंड लास्ट इज अगर आप टेम्पररी हॉस्पिटल बेड्स बना रहे हो, दैट इज ऑल्सो अलाउड एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट आया, अगर कोई कंपनी तीन साल से कम के लिए इनकॉर्पोरेटेड है तो वो एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट थ्री इयर्स कैसे लेगी? तो वो क्या जितने इयर्स हुए उसका एवरेज नेट प्रॉफिट ले लेगी. नेक्स्ट, सेट ऑफ अलाउड है क्या? यस, अगर किसी ईयर में आपने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया है तो आप आगे सेट ऑफ ले सकते हो. देन फेलियर टू स्पेंड CSR अमाउंट, तो क्या होता है? ये सबसे पहले सवाल आता है कि ये जो आपका अमाउंट आप खर्च नहीं कर पाए, क्या ये इट रिलेट्स टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट? इफ इट डज नॉट रिलेट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो सिक्स मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको इसको स्पेसिफाइड फंड में ट्रांसफर कर देना है. इफ इट रिलेट्स टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्रांसफर इट टू अन अनस्पेंट CSR अकाउंट विदिन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड तीन साल में आपको उसे यूज कर लेना है. अगर नहीं कर पाए तो थ्री इयर्स एंड के विदिन 30 डेज यू हैव टू ट्रांसफर इट टू द स्पेसिफाइड फंड अकाउंट. और लास्ट में उन्होंने पेनल्टी चेंज कर दी. पेनल्टी को देख लेते हैं क्या चेंज किया उन्होंने पेनल्टी में. पेनल्टी क्या कर दिया उन्होंने, पेनल्टी फॉर नॉट ट्रांसफरिंग द फंड अनस्पेंट CSR अकाउंट. ये कौन सी पेनल्टी की बात कर रहा हूं, कि अगर जो मैंने ऊपर कहा था ना कि 30 डेज के अंदर अनस्पेंट CSR अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तीन साल वहां पर रख सकते हो, अगर नहीं खर्च हुआ तो 30 डेज में स्पेसिफाइड फंड में ट्रांसफर कर दो. उसके अलावा हमने राइट हैंड साइड पे पढ़ा था कि अगर किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं तो सिक्स मंथ्स में अनस्पेंट अकाउंट थ्री इयर्स के अंदर स्पेसिफाइड फंड में ट्रांसफर कर दो. अगर आप ये नहीं कर पाए तो आपके ऊपर पेनल्टी कितनी हो सकती है, कंपनी के ऊपर पेनल्टी हो सकती है ट्वाइस ऑफ द अमाउंट नॉट ट्रांसफर, जो अमाउंट आपने ट्रांसफर नहीं किया उसका ट्वाइस, और 1 crore whichever is less, twice of the amount to be transferred or 1 crore whichever is less, और वहीं officer in default पे हो सकती है 10% of the amount to be transferred or 2 lakh whichever is less. और ये सब चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी है यार. I sincerely hope that ये जो एक तरीका है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, this is really fruitful. As a student, I can understand if time does not permit you to read everything from module. But beta ji, jab aapne pura acche se regular batch kar diya, extra series dekh liye, you're all set, so what to do now? So what to do me, you can do this thing now. And trust me, ye sab karne se jis level ka confidence leke aap exam mein jaoge na, it is uncomparable. Right, beta ji? So isse one more thing what you learn is you get to know that aapne kis prakar se read karna. Toh ki module se padhne mein itna samay nahi lagega. Ek bar jaise ki maine cover kara hai, ab aap padhoge to I think half an hour mein pura chapter cover kar paoge. मॉड्यूल से रीड करता है. एंड एक और चीज यारों, आज ही इसे खत्म कर लेना, आज के आज में इसको खत्म कर लेना. ओके, आई इंटेंड कि मैं इसी प्रकार से आपका पूरा पूरा केएमपी का चैप्टर भी करवाऊं. ओके, तो जी जान से पढ़ते रहो. एंड जैसे कि मैं कहता हूं कि पूरा का पूरी जिम्मेदारी यारों आपके सिर पे. आई एम गोइंग टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज, जो टॉप मोस्ट जो टॉप नॉट चीजें हो सकती है सब मेरी तरफ से मिलेगी. रेट दी अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू. जी जान से पढ़ो, खूब खूब पढ़ो एंड खूब खूब आगे बढ़ो. थैंक यू सो मच पीपल. बाय बाय.